हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। और आज हम जीएस में टॉपिक मिनरल्स, जैसा कि सीरीज चल रही है, मिनरल्स में दो पर सबसे महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे। पहला डायमंड और दूसरा माइका यानी अभ्रक। ये दो मिनरल से भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट होते हैं। चलिए डायमंड को लेकर चलते हैं, यानी कि हीरा यानी डायमंड को लेकर चलते हैं। डायमंड की बात करें, बहुत ही अनमोल धातु है, ठीक है। साथ साथ में हीरा बहुत ही कठोर धातु है, बहुत ही ज़्यादा कठोर यानी सॉलिड है। और साथ साथ में ये कार्बन के फॉर्म में है। किसमें है? कार्बन। अगर हीरे की बात करें तो हीरा आखिर निकलता कैसे है, कैसे हीरा बन जाता है प्रकृति में, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, जैसा कि रॉक्स जो होते हैं, तीन तरह के रॉक्स होते हैं। पहला इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी तीन सबसे मेजर रॉक हैं। पहला इग्नेस यानी आग्नेय चट्टाने, दूसरा आपका मेटामॉर्फिक यानी कायंत्री चट्टाने, और तीसरा एक और प्रकार है सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टाने, ठीक है। यही चट्टाने जब लेयर द लेयर क्लियर जमती जाती हैं तो इनसे ताप और दाब के कारण ये काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। जैसे अगर देखा जाए, जो जीवाश्म थे पहले कभी जुरासिक पीरियड में, या आप कह सकते हैं इससे और पीछे अगर जाना जाए तो विंध्यन रीजन में या विंध्यन एरा में बहुत सारे जो फॉसिल्स थे, जीव जंतु या पेड़ पौधे, भूगर्भिक हलचल के कारण जमीन के नीचे दब गए, ठीक है। और जब वो दब गए तो ताप और दाब के कारण अलग अलग मिनरल्स में कन्वर्ट हो गए। उसी के कन्वर्जन में हीरे का भी डेवलपमेंट देखा गया। अगर हीरा देखा जाए तो सामान्यतः कोयला जिस रीजन में मिलता है उन रीजन में हीरे की भी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और साथ साथ में जो हीरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और साथ साथ में ये कार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। भारत में अगर हीरे की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना माइंस है, पन्ना की खान सबसे ज्यादा फेमस है, क्लियर। यानी भारत में सबसे ज्यादा हीरा यानी डायमंड मध्य प्रदेश के पन्ना की खान से निकाला जाता है। जबकि अगर हम बात करें मुंबई भारत में हीरे की सबसे बड़ी मार्केट है, यानी सबसे बड़ा बाजार है। वर्ल्ड वाइज बात करें अगर बात करें तो रशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो ये सबसे बड़े दो राष्ट्र हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा डायमंड का रिजर्व है, यानी हीरे का सबसे ज़्यादा रिजर्व रशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो के पास है। रशिया आपका, जैसा कि आपको पता है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और इन दोनों देशों के पास सबसे ज़्यादा डायमंड का रिजर्व है। जबकि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में रशिया और ऑस्ट्रेलिया दो सबसे मेजर कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन करती हैं। अगर कंटेंट वाइज बात करें तो देखिए, यहाँ पे डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, यानी हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध और कठोर तत्व है। एग्जाम में आपके हमेशा पूछता है इसमें सबसे ज्यादा सॉलिड एलिमेंट कौन सा, द आंसर इज है डायमंड। साथ साथ में हीरा किसका रूप है, आंसर इज कार्बन, हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता रहा है। साथ साथ में पन्ना माइंस, पन्ना की खान MP यानी मध्य प्रदेश में है, जो सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस माइंस है। अगर देश की बात करें तो रशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो ये दो ऐसे देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। कॉपी में नोट कीजिए, रशिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो ये दो देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। और यहाँ देखिए, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये दो कंट्री हैं जो सबसे बड़े उत्पादक हैं। यहां मैं लिखा मुंबई इज द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ डायमंड, यानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा डायमंड का बाजार है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन रहने की संभावना नहीं है, आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। यहां देखिए अभ्रक यानी माइका,
माइका की बात करें यानी अभ्रक की बात करें तो अभ्रक यानी माइका आग्नेय और कायांत्रित चट्टानों से निकाला जाता है। आग्नेय और कायांत्रित ड्रानसीडेट इग्नेस और मेटामॉर्फिक, इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक से माइका की प्राप्ति होती है, जबकि भारत में झारखंड अकेला ऐसा राज्य है जो 50% से अधिक माइका का प्रोडक्शन करता है। यहां तक कि माइका के प्रोडक्शन में भारत का प्रथम स्थान है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि अकेले हम अभ्रक का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा करते हैं। देखिए ध्यान से, अभ्रक की बात करें तो ये इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में पाई जाती है। कॉपी में नोट कर लीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, यानी भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टेट की बात करें तो यहाँ पे झारखंड लिखा हुआ है, झारखंड अकेले 50% से अधिक माइका का प्रोडक्शन करता है। ये दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण मिनरल्स थे जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया हो। थैंक यू एंड टेक केयर।